हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। मैं प्रभात आपका अपने यूट्यूब चैनल V3S क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने सेंटेंस पढ़ा था, सब्जेक्ट पढ़ा था, प्रेडिकेट पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है? और उसमें से पांच में से हमने दो तीन पढ़ चुके थे, ठीक है? कौन कौन सा? एसर्टिव, इंपेरेटिव और इंटरोगेटिव, ठीक है? अगर आपको समझ नहीं आया है तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप जाके दोबारा से आप उसको वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है? चलिए अब इस वीडियो में, यानी कि इस क्लास में, हम रिमेनिंग दो सेंटेंस को कवर अप करेंगे, जो है ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है? चलिए, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। इच्छा यानी कि आपकी कोई इच्छा है, इच्छा जो व्यक्त करते हैं, ठीक है? जब कभी भी हमें कोई शुभकामना, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप या संभावना व्यक्त करना होता है, तब हम इच्छा बोधक वाक्य यानी कि ऑपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस विश, प्रेयर, ब्लेस, कर्स और पॉसिबिलिटी, वी यूज ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप, ओके? मैं अब आपको ऑपरेटिव सेंटेंस एक्सप्लेन करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं विश, यानी कि हम जो विश करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, कामना करते हैं अपने भाई बंधु के लिए या अपने दोस्त रिश्तेदारों के लिए, क्या कहते हैं? सबसे पहले विश का एग्जांपल, यानी कि शुभकामना का, क्या? विश यू अ हैप्पी जर्नी। अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त रिश्तेदार कहीं बाहर जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको कामना कहते हैं ना, विश यू अ हैप्पी जर्नी, आपकी आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है, सुगम हो। फिर आता है विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको विश करते हैं, जैसे नया साल आया मुबारकबाद देते हैं, क्या? विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, ये क्या है? शुभकामना दे रहे हैं आप, ठीक है। फिर दूसरा आता है प्रेयर। प्रेयर यानी कि प्रार्थना, आप भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने दोस्त रिश्तेदार बंधु बांधवों के लिए, क्या? मे यू लिव लॉन्ग। मान लीजिए कोई आप किसी अपने बड़े बुजुर्ग को चरण स्पर्श करते हैं, वो कहते हैं ना दीर्घायु भव, यशस्वी भव, मतलब क्या? ये मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। या फिर जैसे आप किसी एग्जाम में जा रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखने जा रहे हो, अपियर होने जा रहे हो, तो आप चरण स्पर्श लेते हो, आशीर्वाद लेते हो, तो वो क्या कहते हैं? मे सक्सेस किसेस योर फीट, सफलता आपकी कदम चूमे, ठीक है। ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं आपके बड़े बुजुर्ग। फिर आता है ब्लेस यानी कि आशीर्वाद। जैसे आशीर्वाद के लिए मैंने अभी अभी जैसे बताया, क्या? दीर्घायु भव, ठीक है, यू मे लिव लॉन्ग, आप आशीर्वाद दे रहे हो, ठीक है। चलो तुम जिस मकसद से तुम यात्रा कर रहे हो, जिस मकसद से तुम ये काम स्टार्ट किए हो, तुम्हारा मकसद पूरा हो, तुम्हारा मनोकामना पूरा हो, ठीक है, ये आशीर्वाद कहलाता है। फिर आता है कर्स। कर्स यानी कि अभिशाप। आप किसी, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, तो आप कामना करते हो मे दिस बिल्डिंग कोलैप्स, ठीक है, मे दिस बिल्डिंग कोलैप्स, भगवान करे यह बिल्डिंग गिर जाए। हो अगर मान लीजिए कोई भीड़ भाड़ है, अचानक से अगर बिल्डिंग गिरता है किसी वजह से, चाहे अर्थक्वेक की वजह से या फिर कमजोर होने की वजह से, किसी भी वजह से अगर गिरता है तो जान माल का बहुत हानि होगा। उससे पहले ही आप विश करते हो, क्या? कि मे दिस बिल्डिंग कोलैप्स, ये भवन गिर जाए तो अच्छा है, ठीक है, एक तरह का अभिशाप हुआ, ठीक है। फिर आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी कि बच्चों संभावना, जहां कहीं भी संभावना व्यक्त करना होता है, ठीक है। जैसे संभावना, जैसे कि मान लीजिए आज सुबह सुबह आप उठे, ठीक है, और आप मौसम को देख करके ही लगता है कि हो सकता है आज बारिश हो, या फिर हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, तो आपको एहसास होगा कि हो सकता है, क्या, आज तेज हवा चले, आज तूफान आए। एक चीज बच्चों ध्यान में रखिए, जब कभी भी नेचुरल फेनोमेना कुछ हो, तब हम उसके लिए इट इज का यूज करते हैं। जैसे हमें कहना है हो सकता है आज बारिश हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इट मे रेन टुडे,
हम ये नहीं कहेंगे कि रेन मे रेन टुडे, ये गलत है। नेचुरल फेनोमेना कुछ भी हो, प्राकृतिक कुछ भी हो रहा हो, उसके लिए हम इट इज का यूज करते हैं। इट इज रेनिंग, इट इज ब्लोइंग, इट इज थंडरिंग, इट इज लाइटनिंग, ठीक है। जैसे आप संभावना व्यक्त कर रहे हो आज का मौसम सुबह सुबह देख करके, क्या इट मे रेन टूडे, आज बारिश होने की संभावना है, आज बारिश हो सकती है। इट मे ब्लो टूडे, ब्लो टूडे मतलब क्या, आज तूफान आ सकता है, ठीक है। ये हुआ इच्छा बोधक वाक्य, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें से एक आपका दिल की भी इच्छा होती है कि काश आज वो होते, ठीक है। ये भी ऑपरेटिव में ही आता है। उसका एक एग्जांपल है वुड दैट ही वर अलाइव, ठीक है, काश कि वो आज जीवित होते, ठीक है। तो चलिए ये रहा ऑपरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल, ठीक है। अब हम अगला सेंटेंस समझते हैं जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बच्चों अभी अभी हमने ऑपरेटिव सेंटेंस को जाना और उसके यूज को जाना है। ऑपरेटिव सेंटेंस में एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ठीक है। जब भी हम ऑपरेटिव सेंटेंस को एज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे, उसके अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क यानी कि साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा, ठीक है। जैसे आप डेली यूज करते हो क्लास में, क्या मैम मे आई कम इन, मे आई गो आउट। अब देखिए ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है और यहां भी संभावना है। जैसे क्या आपने मैम से पूछा मे आई कम इन, अब यहां मैम के ऊपर डिपेंड करता है, वो यस भी कह सकती है नो भी कह सकते हैं, यहां संभावना है। लेकिन ये जो वाक्य है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम सबसे लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर सिंपल हम इसका डेफिनेशन जाने तो क्या होगा कि सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ द माइंड, मतलब कि कोई भी वाक्य या कोई भी चीज हमारे दिमाग में पहले से नहीं है, अचानक से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे मुंह से निकलता है, ठीक है। जैसे मान लो सिंपल हम चल रहे हैं, चलते चलते हमें ठोकर लगी, ठीक है, हम क्या कहते हैं उफ मुझे चोट लग गई, ठीक है। ये उफ वर्ड अचानक से आपके माइंड में आया, पहले से नहीं फिक्स था, पहले से ये नहीं पता था कि आपको चोट लगेगा ही लगेगा और आप यही वर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज हम कहां करते हैं, सरप्राइज, सोरो, एंगर, रिग्रेट, कंटेम्प्ट, हेटेड को एक्सप्लेन करने के लिए। जब कभी भी हमें आश्चर्य, दुख, हर्ष, क्रोध, पश्चाताप, घृणा या दुश्मनी का भाव व्यक्त करना हो, तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बाकी सेंटेंस से बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब चलिए बाकी अलग कैसे है मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम सरप्राइज का, ठीक है, यानी कि आश्चर्य, सरप्राइज, किसी चीज को देख के आपको आश्चर्य होता है, ठीक है, कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है, ठीक है। कुछ ऐसा चीज हो जाए जो कि नॉर्मल जनरल वे में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप देखते हो वो हो गया है या ऐसा है, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। फिर आता है क्या सोरो, यानी कि दुख, कहते हैं ना एलास द गुड मैन डाइड, बहुत भला आदमी था, स्वर्गवास हो गया उसका, ठीक है। फिर आता है जॉय, यानी कि हर्ष, यानी कि कोई ऐसा आपका दोस्त, रिश्तेदार, कोई भाई बंधु, कोई ऐसा काम करे जिससे आपको बहुत खुशी मिले, तो कहते हैं ना वाह बहुत अच्छा काम किया तुमने। जैसे आप मान लो इंडिया क्रिकेट, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, लास्ट बॉल है, पाकिस्तान को एक विकेट चाहिए, इंडिया को एक सिक्स, छह रन चाहिए। अब टेंशन है दोनों तरफ, एकदम सन्नाटा हो जाता है, क्या होगा, पहले से आपके माइंड में नहीं है मैं क्या बोलूंगा, अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपके मुंह से निकलेगा, एकदम सन्नाटा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अचानक से मान लीजिए बॉलर ने बॉल डाला और इंडियन बैट्समैन ने हिट किया सीधा सिक्स, कहते हैं हुर्रा वी वॉन द मैच, ठीक है, ये वर्ड आपके मुंह से अचानक निकला। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बॉलर ने बॉल किया, बॉल मिस हो गया या फिर विकेट आउट हो गया, तो क्या कहते हैं अल्लाह मैच हार गए, सो सैड, कहते हैं ना। ये हुआ हमारा सोरो और जॉय का। अब आता है एंगर, यानी कि क्रोध। जब कभी भी मान लीजिए कोई बच्चा है या फिर कोई भी है, आपने किसी को कुछ काम दिया, वो काम नहीं किया, तो उस समय आपको बहुत गुस्सा आता, क्रोध, कहते हैं हाउ डेयर यू, तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की,
ठीक है, तो यहां पे आ जाता है एंगर यानी कि क्रोध। अब चलिए अब आता है रिग्रेट। रिग्रेट यानी कि पश्चाताप, कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा काम हुआ जो आपको नहीं करना चाहिए, गलती से हो जाता है, आप पश्चाताप कहते हैं, आप माफी मांगते हैं सामने वाले से, सॉरी ये मैं करना नहीं चाहता था, अचानक से मुझसे गलती से हो गया, ठीक है, यहां हो गया पश्चाताप, रिग्रेट। फिर आता है कंटेप्ट यानी कि घृणा। कोई भी चीज आप ऐसा देखते हो जिससे आपको घृणा होती है, ठीक है, या फिर कुछ बात सुनते हो जिससे आपको घृणा हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपका बगल वाला या कोई भी तीसरा चौथा आदमी अपनी माँ को, माँ से ऊंचे स्वर में बात करता है, क्या फाई फाई यू शाउटेड एट योर मदर, छी है तुम पे, तुमने अपनी माता पे चीखा चिल्लाया, उनसे जोर से बात किया, ठीक है, ये घृणा का बोध हुआ। या फिर कहीं आप जा रहे हो रास्ते में, कहीं ओपन नाला बह रहा है, ड्रेन बह रहा है, कहते छी कितनी गंदी बदबू है, कितना गंदा है, ठीक है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो साफ सफाई नहीं है, नहाया नहीं है, बदबूदार है, कपड़े बहुत गंदे मैले पहन रखे हैं, दाढ़ी बाल बढ़ा हुआ है, कहते छी कैसा हो, कैसे हो तुम, ठीक से अपने आप को मेंटेन क्यों नहीं रखते हो, ठीक है, यहां घृणा का भाव उत्पन्न होता है। फिर होता है हेटर्ड यानी कि दुश्मनी, कि मान लीजिए दुश्मनी की भावना ऐसे आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए कोई आया, ठीक है, आपका कोई बना बनाया काम बिगाड़ दे, तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा, कुछ दुश्मनी का भावना आएगा, ठीक है, तो ये सारे वाक्य जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, यानी क्या विश्वमयादी बोधक वाक्य, वो वाक्य जो आपके माइंड में पहले से फिक्स नहीं होते हैं, अचानक से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपके मुंह से निकलता है, ठीक है, तो वो वाक्य को क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर विश्वमयादी बोधक वाक्य। चलिए अब कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, आप मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, आपको कोई अच्छा ड्रेस दिख गया, बहुत ही अच्छा, कहते वाह क्या ड्रेस है, कहते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, या फिर आप कहीं पिकनिक मनाने गए हुए हो, कहीं बाहर जगह गए हुए हो, वाह क्या दृश्य है, क्या मनोरम दृश्य है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, ठीक है, या फिर कोई ऐसा फूल देखते हो, वाह क्या फूल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ठीक है। चलिए फिर दूसरा आता है, जैसे कि मैंने बताया रिग्रेट का, व्हाट अ ट्रेजिक एंड, बहुत बुरा अंत हुआ उसका, ठीक है। फिर आता है जैसे कि अभी मैंने बताया फाई फाई यू शाउटेड एट योर मदर, धिक्कार है तुम पे, छी है तुम पे, तुमने अपनी माँ पे जोर से बोला, चीख के बोला उनसे, उनका अनादर किया, अपमान किया, ठीक है, ये सब क्या आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। फिर जैसे मैंने बताया था दुख का, सौरव का, क्या एलास द गुड मैन डाइड, अफसोस है बहुत भला आदमी था, बेचारा गुजर गया, स्वर्गवास हो गया उसका, तो ये वर्ड क्या आता है एलास द गुड मैन डाइड। फिर आता है व्हाट अ डैशिंग पर्सनैलिटी इट इज, जैसे आप किसी को देख करके खुशी होती है, वाह क्या पर्सनैलिटी है बंदे की, कहते हैं ना वेल मेंटेन है, ड्रेस है, एजुकेटेड है, उसके देख करके ही भावना झलकता है, बहुत ही रिस्पेक्ट आता है, वाह क्या पर्सनैलिटी है उस व्यक्ति की, दिखने ही से लगता है एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। फिर आता है हाउ डे यू, किसी पे गुस्सा आए, तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई, ठीक है, ये आया हाउ डेयर यू, ये गुस्सा व्यक्त किया आपने। एक चीज और बताता हूं बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है या तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, ठीक है, जैसे कि हम देखें एलास, एलास एक्सक्लेमेशन वर्ड है, यहां पे आया हुआ है क्या साइन ऑफ इंट्रोजेक्शन, जैसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, ये पूरा सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस के लास्ट में आया हुआ है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दिया है मैंने फाई फाई, देखो फाई फाई का मतलब है छी छी, ठीक है, ये वर्ड है एक्सक्लेमेशन वर्ड है, इसलिए यहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है। व्हाट अ डैशिंग पर्सनैलिटी, यहां पे पूरा वाक्य है, ठीक है, तो यहां पे लास्ट में आया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये जो मैंने सेंटेंस पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगला क्लास मैं जल्द ही आपको लेकर के आऊंगा आपके पास, तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे
चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब मेरा नया वीडियो आए तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आपको पता चल जाए। ठीक है, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोलिए।